ये देखिए फ्रेंड्स, हाई ग्लॉस प्यू व्हाइट पेंट हुआ है इस दरवाजे के ऊपर। अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है कि यह पेंट कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटा सा हमारा लकड़ी का दरवाजा है, इस पर पहले पेंट हुआ था, जिसको मैंने उतार दिया है, बिल्कुल इसको नया कर दिया है। आप नए दरवाजे पर भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। दरवाजे की कंडीशन आप देख सकते हैं, पहले से इसमें पुट्टी हल्की हल्की सी भरी हुई थी, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और बाकी कटाई कर ली है इसके ऊपर पूरा रेगमल मार के। आपको इसके ऊपर 80 नंबर का रेगमल लगाना है। अगर आपका दरवाज़ा नया है तो आपको 80 नंबर रेगमल लगा के इसको पूरा बराबर कर लेना है। 80 नंबर या फिर आप पट्टे वाला 100 नंबर रेगमाल भी ले सकते हैं, या पट्टे वाला या भी रेगमाल है 80 नंबर। और अच्छी तरह दबा के इसकी कटाई कर लेनी है, ताकि कहीं पर ऊंचा नीचा ना रहे। वैसे तो इस पर ग्राइंडर भी लगा था, तो ऊंचा नीचा नहीं है ये। उसके बाद में इस पर मारना है हमें प्राइमर। इस पर हम करने वाले हैं पीयू पेंट, इसलिए इसमें हम पीयू प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमारे पास है एशियन पेंट्स कंपनी का पीयू पायलट पीएस ग्रे प्राइमर। बाकी आप कंपनी कोई और भी ले सकते हैं, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो। ये मेटल और वुड दोनों के लिए होता है, लकड़ी पे भी लगाया जा सकता है और लोहे पे भी लगाया जा सकता है। पीयू प्राइमर है ये, पीयू पायलट प्राइमर। इसमें दो पैक होते हैं, 1 लीटर की पैकिंग है ये, और इसकी एमआरपी है 850 रुपये। इसकी एमआरपी है, इसमें 900 ml बेस होता है और 100 ml इसमें हार्डनर होता है, जो कि इसके साथ में ही मिलता है। थिनर आपको पीयू थिनर अलग से लेना होता है। इस डब्बे में दो पैक मिलते हैं, एक में हार्डनर होता है और एक में बेस होता है। ये ग्रे प्राइमर है, पीएस ग्रे, ग्रे कलर होगा। इसमें वाइट भी आता है, अगर आपको वाइट लगाना है तो वाइट भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए ग्रे प्राइमर है ये। बनाने का तरीका होता है 900 ml बेस में 100 ml हार्डनर और लगभग 200 ग्राम तक पीयू थिनर। एक बार में आपको जितना यूज करना हो, जैसे आपको आधा लीटर लगाना है तो आपको आधा लीटर ही बनाना है, आधे में ही हार्डनर आपको मिक्स करना है, पूरे में हार्डनर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका हार्डनर है, 1 लीटर में पूरा पड़ जाता है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका थिनर, पीयू थिनर, ये भी एशियन पेंट्स कंपनी का है। 3 लीटर की इसकी पैकिंग है। और फिर हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आसपास का एरिया क्लीन कर ले, डस्ट वगैरह ना हो ज़्यादा। और फिर देखिए इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। हमारे एयर टैंक में हवा का प्रेशर अभी थोड़ा सा कम है, इसलिए इस तरह से लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी है, लगा देंगे इसको हम। वैसे तो चल रही है हमारी कंप्रेसर। और इसमें हमने इपॉक्सी का प्रयोग नहीं किया है, डायरेक्ट प्राइमर का ही प्रयोग किया है। अगर आपको इपॉक्सी करना है तो पहले आप इस पर इपॉक्सी कर सकते हैं। प्राइमर से पहले आपको इपॉक्सी करना है तो कर सकते हैं। इसके हमें दो कोट करने होंगे। पुट्टी में हम इसके पर एनसी पुट्टी यानी कि डिको पुट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप चाहें तो वाइट पुट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वुड पिलर होता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारी ईबुक, या लगभग 20 पेज की ईबुक है। इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी, जैसे पीयू पॉलिश, मेलामाइन पॉलिश, पीयू पेंट, डिको पेंट आदि, हर प्रकार की जानकारी इसमें दी हुई है। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आपको व्यू नाउ पर क्लिक करना है, और देखिए डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। व्यू नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भर के रिव्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है। जब आप पे कर देंगे तो वहीं पे मेरा व्हाट्सअप नंबर और इसका डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्राइमर सूखने के बाद में इस पर हम करेंगे पुट्टी। ये देखिए हमारे पास एनसी पुट्टी है, इसको डीको पुट्टी भी कहते हैं, और ये हाफ केजी की पैकिंग है। इसकी बड़ी पैकिंग भी आती है, 1 kg की भी आती है इसकी पैकिंग, एनसी पुट्टी होती है। और पूरे दरवाजे के ऊपर इसको हम खींच देंगे, जहाँ पर बड़े होल होंगे वहाँ पर आपको दो बार करनी होगी। दो बार तो आपको करनी होगी पूरे दरवाजे के ऊपर, जहाँ बड़े होल होंगे वहाँ पर आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी पुट्टी। देखिए पुट्टी हमारी हो चुकी है, अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे 1-2 घंटे। सूखने के बाद में इसकी हम सैंडिंग करेंगे।
सैंडिंग हमें पानी के साथ में करनी है, क्योंकि ये पुट्टी ज़्यादा हार्ड होती है, लोहे की तरह होती है, इसलिए सूखा अगर आप रेंग मार लगाएंगे तो ये पूरी बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए पानी का प्रयोग करना ज़रूरी होता है इसमें। और देखिए इस तरीके से इस पर हमें सैंडिंग करनी है, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा पुट्टी लगी है वो सारी निकाल देनी है। जितना बढ़िया आपका बेस बनेगा उतनी बढ़िया आपके पेंट की फिनिशिंग आएगी, इसलिए बेस आपको प्रॉपर अच्छी तरह से बनाना है, कहीं पर ऊंचा नीचा ना हो। और फिर भी अगर आपको दोबारा रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्राइमर करने के बाद में इस पर एक बार रिपेयर और कर सकते हैं। देखिए अभी हमने सैंडिंग करके पूरा साफ कर लिया था और फिर से इसके ऊपर एक कोट प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं हम। तो हमारे एयर कंप्रेसर में थोड़ा सा पानी था, तो ये देखिए पानी गिर गया है, पानी आपको सुखा लेना है, उसके बाद में ही अप्लाई करना है इस पर। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर प्राइमर कर देना है। प्राइमर सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है 320 नंबर या फिर 400 नंबर रेगमाल से, और इसके ऊपर फिर हम डायरेक्ट पेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी प्राइमर हो चुका है, अभी मैं इसकी सैंडिंग कर लेता हूँ, आपको पेंट करके दिखाता हूँ किस तरीके से पेंट किया जाता है। पेंट करने से पहले आसपास का एरिया क्लीन कर लें, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अगर डस्ट होगी तो उड़के उसके ऊपर चिपक जाएगी। मैंने इसकी सैंडिंग कर ली थी और ये हम वाइट पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट हाई ग्लॉस फिनिश पेंट है। बाकी अगर आपको कोई दूसरा कलर करना है तो दूसरा कलर भी कर सकते हैं, कलर आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, सारे कलर कंप्यूटर से बन जाते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो, प्रोसेस सारा सेम ही होगा। अगर आपको डीको पेंट करना है तो आप डीको पेंट भी इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, बस आपको प्राइमर और पेंट बदलना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है डीको पेंट और पीयू पेंट में। और ये हाई ग्लॉस फिनिश पेंट है, अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो इसमें मैट फिनिश भी आता है, आप मैट फिनिश भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके हमें दो कोट करने होते हैं, एक कोट सूखने के बाद में इसकी सैंडिंग करनी होती है, सैंडिंग करने के बाद में इस पर आप सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। चलिए मैं दोनों कोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फिनिश हो चुका है, मैंने दो कोट इसके ऊपर अप्लाई किए हैं और आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, इस तरीके की शाइनिंग है। इस पर हमने कंपाउंड नहीं किया है, अगर आपको कंपाउंड करना है तो आप कंपाउंड भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपाउंड की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके ऊपर कंपाउंड की वीडियो बना दूंगा कि कंपाउंड कैसे करते हैं। कंपाउंड करने से पेंट की फिनिशिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, जिस तरह से कार शाइनिंग करती है उसी तरीके से ये भी शाइन करेगा। तो अभी हम इस पर कंपाउंड नहीं करेंगे, कंपाउंड की वीडियो मैं आपको अगली बार बना के दूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी वह वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पेज पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल स्टेप बाय स्टेप में मिल जाती हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।